बच्चों, आज हम आज के दिन की शुरुआत आज के सुविचार से करेंगे। आज का सुविचार है, इस दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा ही है। इतनी अच्छी बात कही है नेल्सन मंडेला जी ने, इस दुनिया को हम शिक्षा के द्वारा ही बदल सकते हैं। जब सभी शिक्षित हो जाएंगे तो इस दुनिया को हम बदल सकते हैं। शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज हम अक्षरों का महत्व पाठ के भाषा की बात के प्रश्नों को करेंगे। अक्षरों का महत्व पाठ 5 भाषा की बात का पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ हमें समझना है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनकी शुरुआत में एक शब्दांश जुड़ा हुआ है जिसे उपसर्ग कहते हैं। हम व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। उपसर्ग वे होते हैं बच्चों जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, विशेषता ला देते हैं उसके अर्थ में, है ना, उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं जो आगे जुड़ते हैं। और इसी तरह प्रत्यय होते हैं जो पीछे जुड़ते हैं। तो यहाँ उपसर्ग के बारे में बताया जा रहा है, तो हमें इन शब्दों के उपसर्गों को मूल शब्द से अलग करना है और उनके अर्थ को समझना है। असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा, इन शब्दों में से मूल शब्द हम निकालेंगे। मूल शब्द और उपसर्ग को जब हम अलग करेंगे तो ये होगा, शब्द है असफल, इसका उपसर्ग है अ, सफल एक मूल शब्द हुआ इसका। अदृश्य अशब्द अ उपसर्ग और दृश्य मूल शब्द। अनुचित अनुपसर्ग और उचित मूल शब्द। अनावश्यक अनुपसर्ग और आवश्यक मूल शब्द। अपरिचित अउपसर्ग परिचित मूल शब्द। अनिच्छा अनुपसर्ग और इच्छा मूल शब्द। इसी तरह इसके अर्थ होंगे सफल कामयाब, दृश्य जो दिखाई देता है, उचित ठीक, आवश्यक जरूरी, परिचित जानकार, इच्छा चाह और अभिलाषा, चाह और अभिलाषा। प्रश्न 2 है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, विशेषण जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने विशेषण के प्रकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने संख्यावाचक विशेषण के बबारे में भी पढ़ा, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप, तोल आदि के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। 3 खीर, 2 जमीन, 6 कपड़ा, 1 रेत, 2 कॉफी, 5 बाजरा, 1 दूध, 3 तेल। इसका उत्तर होगा 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफी, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। तो यह इसका उत्तर होगा। इसके बाद कुछ करने को, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो प्रयोग में नहीं रहे, और प्रचलित नए अक्षर जो प्रयोग में आ गए हैं। तो अभी जो प्रयोग में नहीं है बच्चों, वे शब्द हैं हमारी देवनागरी लिपि में
झ और ज्ञ, झ का प्रयोग फिर भी हम कभी कभी करते हैं किन्हीं शब्दों के साथ। नए अक्षर जो प्रयोग में है अ झ ख ल, झ का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी किन्हीं स्थानों पर नहीं किया जाता है, कहीं कहीं इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न दो, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। लिखित भाषा स्थायी रूप है, इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, उसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। लिखित भाषा ही हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज है, यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है और न ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, यह सिर्फ व्यक्ति के बीच संवाद कर सकती है। तो लिखित और मौखिक भाषा के हानि और लाभ ये आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न तीन, अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं, ये हम जानते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि देशों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। यहाँ कुछ चित्र है बच्चों, जिसमें क में आगे स्कूल होने का संकेत है, ख वृत्त जो ख वाला चित्र है उसमें सर्कल के बाईं ओर जाने का संकेत है, तीसरा चित्र सड़क दाईं ओर घूम रही है, यह संकेत हमें बता रहा है, चौथा चित्र सड़क बाईं ओर घूम रही है, यह संकेत हमें बता रहा है। बच्चों हम देखते हैं ना रोड पर बहुत सारे सेफ्टी के लिए चित्र लगे होते हैं, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो और जो भी जा रहे हैं उस मार्ग से तो उन्हें पता चल जाए कि हमें किस तरफ मुड़ना है, बाई तरफ दाई तरफ। तो ये संकेत चित्र होते हैं जो हमें बताते हैं, ये ना संकेतों के माध्यम से भी हमारा संवाद हो जाता है। उन चित्रों के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि ये हमसे क्या कहा जा रहा है इन चित्र के माध्यम से। तो ऐसे कई संकेत चित्र आप कई जगह पर देख सकते हैं। तो ये हमारे भाषा की बात के प्रश्न हुए। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करेंगे, सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है।